नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। एक पत्रकार के तौर पर जब समाज में लोग आपको जानते हैं और आप लीगल हेल्पलाइन सनी का एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हो, तो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि कानूनन इंसाफ पाने में आप उनके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। और बेहद आम शिकायतें जो कानून में पड़ती हैं वो ये कि पुलिस स्टेशन में उनकी बात सुनी नहीं गई, उनकी समस्या को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया, या फिर ये कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते भी हैं कि अपने साथ हुई नाइंसाफी की रिपोर्ट दर्ज कराने में ही काफी दिक्कतें सामने आती हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो है कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी ना होना। और आज लीगल हेल्पलाइन में हम बात करेंगे उपभोक्ताओं के बारे में, एक उपभोक्ता के क्या कुछ कानूनी अधिकार हैं और उपभोक्ताओं से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं। एक कंज्यूमर की आज हम बात करेंगे, कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, उपभोक्ता से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। कानूनी सहायता के लिए आप डायल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अगर आप भी कंज्यूमर हैं और आपको किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उपभोक्ता को क्या कुछ अधिकार दिए गए हैं, क्या कुछ कानूनी प्रावधान है उपभोक्ता से जुड़े हुए। तो कंज्यूमर से जुड़े हुए जो भी आपको जानकारी चाहिए या फिर आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई केस आपका चला आ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर्स पर। और आपके इन तमाम समस्याओं के समाधान करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रवीण चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सर, सबसे पहले आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, कंज्यूमर लॉ की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले कंज्यूमर होता क्या है, एक उपभोक्ता की अगर परिभाषा की हम बात करें? कंज्यूमर कानून एक आम आदमी का एक बड़ा सशक्त कानून है, और कंज्यूमर वो है जो कोई भी सेवा या कोई सामान खरीदता है और जिस उम्मीद से या जिस स्पेसिफिकेशन से वो लेता है और उसके अनुरूप अगर वो नहीं होता है तो एक कंज्यूमर के लिए, एक उपभोक्ता के लिए एक वाद शुरू होता है, और जिसको एड्रेस करने के लिए एक बहुत सक्षम कानून है, बहुत वाइड इसके एम्प्लीकेशंस हैं, और इसके लिए उसके पास सारे अधिकार हैं। वो कोर्ट जा सकता है और अपने ग्रीवांस का एड्रेसल कर सकता है। कंज्यूमर्स में भी किसी तरह की कोई कैटेगरी रहती है कि ये कंज्यूमर की श्रेणी में आएंगे, ये कंज्यूमर की श्रेणी में नहीं आएंगे? जी, बहुत साधारण सा अंतर है। कंज्यूमर वो है जो कोई सामान खरीदता है या कोई सेवा लेता है और उसके लिए पैसे देता है और अपने लिए और वो अपने इस्तेमाल के लिए लेता है। लेकिन अगर वो किसी कमर्शियल पर्पस के लिए कोई सर्विस अवेल करता है या कोई गुड्स खरीदता है तो वो कंज्यूमर नहीं है। तो उसको जो चीज़ अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए है और व्यक्तिगत सर्विसेज अगर अवेल करता है और उसके लिए वो पैसे देता है तो वो कंज्यूमर की श्रेणी में आता है। बिल्कुल। और हमारे साथ कई दर्शक यहाँ पर जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि उपभोक्ता कोई भी हो सकता है, आप, मैं, आपके आसपास के लोग। कई बार ऐसा होता है कि जानकारी ना होने की वजह से उपभोक्ता, एक कंज्यूमर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो समझ नहीं आता कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है और आप जानना चाहते हैं उपभोक्ता के क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आमतौर पर सर देखा जाए कंज्यूमर्स को कई तरह की समस्याएं आती हैं, कई तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स के बारे में यहां पर जिक्र करना चाहेंगे। कई लोगों को पता नहीं चलता कि ये भी एक कंज्यूमर का राइट है, एक कंज्यूमर का हक है, अधिकार है। तो एक उपभोक्ता से जुड़ी क्या कुछ ज्यादातर परेशानियां निकलकर सामने आती हैं, जो केसेस आमतौर पर सामने आते होंगे? हम लोग हर एक स्टेज पर एक कंज्यूमर हैं। हम कोई भी सामान अपने इस्तेमाल के लिए लेकर के आते हैं, एक टेलीफोन खरीदते हैं, बिजली का बिल देते हैं या अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं। किसी भी स्टेज पर अगर हम कोई एक सर्विस लेते हैं या सामान खरीदते हैं और उसके लिए हम पैसे देते हैं और वो अगर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही नहीं है या जो सामान हमने लिया है वो गलत स्पेसिफिकेशन के साथ में हमको दे दिया गया है, तो यहाँ पर कंज्यूमर के
का एक रोल इशू होता है, रोल स्टार्ट होता है और कंज्यूमर लॉ के हिसाब से उसको वाइड प्रोटेक्शन है और इसके लिए वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। और इसके लिए जो पहली दो चीज़ें हैं जो बहुत आवश्यक हैं, पहली चीज़ तो ये है कि जो भी सर्विसेज या सामान वो ले रहे हैं उसका एक पक्का बिल जो है वो उसको ज़रूर लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है वो ज़रूरी ये है कि अगर उसके उसको लगता है कि उसके हिसाब से सामान नहीं मिला है या सर्विसेज ठीक से नहीं हुई हैं तो जिससे उसने सामान खरीदा है या सर्विसेज दी हैं उसको एक लिखित नोटिस देना पड़ेगा और उसको एक मौका देना पड़ेगा कि आपकी आपकी जो हमने सर्विसेज ली हैं उसमें ये कमी है, उसको दुरुस्त करिए। अगर वो और अगर नहीं करते हैं तो हम आपके खिलाफ़ कोर्ट जा सकते हैं। अगर वो दुरुस्त कर देता है तो बात ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कंज्यूमर यानी एक उपभोक्ता से जुड़े हुए मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं और अगर आप कानूनी सहायता चाहते हैं, उपभोक्ता के कानूनी प्रावधान आप जानना चाहते हैं कि कंज्यूमर से जुड़े हुए क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सर, ज़्यादातर मामलों में कंज्यूमर्स को जानकारी नहीं होती है कि ऐसी भी शिकायतें हो सकती हैं, ऐसी भी परेशानी हो सकती हैं। कई बार मोबाइल हम लेते हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम लेते हैं, कुछ खामी उसमें निकल जाती है, लोग बाग उसको सही करवा लेते हैं, लेकिन अगर कोई खामी है, कोई परेशानी है, जो वादा किया गया हो वो वादा यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है तो क्या इस उसमें हम कंप्लेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और कंप्लेंट करने से पहले एक बार हमें कस्टमर केयर पे, अगर कोई बड़ी चीज़ हमने ली है तो कस्टमर केयर पे बात करना चाहिए। अगर उससे भी सलूशन नहीं निकलता है तो फिर हमें एक लिखित में नोटिस उनको देना चाहिए और उनको एक मौका देना चाहिए कि आप इसे ठीक करें 15 दिन के भीतर या 10 दिन के भीतर। और उसमें अगर वो हमारे 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 प्रॉब्लम अगर एड्रेस नहीं हो पाती है तो फिर हम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं रामपुर से, कमलकांत जी। कमलकांत जी, स्वागत है आपका। किस तरह की आपकी परेशानी है, कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार कमलकांत जी। थैंक यू, थैंक यू सर। हमारा जो भूमि का अधिग्रहण हुआ है वो नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत हुआ है। जी जी। और लेकिन उसका आवाज जो है 1/1/2014 के बाद हुआ है। सुन रहे हैं आप, अपनी बात रखिए। तो हमें जो है लाभ एक जो नया एक्ट है 2013 उसके अनुसार लाभ मिलेगा या नहीं, उसके लिए उसके लिए एक तो ये कंज्यूमर का केस नहीं है फिलहाल, जिस मुद्दे पे है उससे लिंक नहीं है, लेकिन उसके लिए आप अपने स्थानीय अदालत में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और वो उसको डिसाइड कर देगी। तो सबसे बेटर आपके लिए यही होगा कि स्थानीय अदालत में अगर आप एक एप्लीकेशन देंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर बता दें कि कंज्यूमर से जुड़े हुए मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगर आप कानूनी सहायता चाहते हैं या फिर एक उपभोक्ता से जुड़े कानूनी अधिकार आपको जानने हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रवीण चतुर्वेदी जी हमारे साथ यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। सर, कंज्यूमर फोरम, कई लोग सोचते हैं कि कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, इन सारी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, अगर कोई चीज़ खराब निकल गई, किसी चीज़ में कोई परेशानी आ रही है तो चलिए ठीक है हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। और इंडियंस के बारे में कहा जाता है कि एडजस्ट बड़ी आसानी से कर लेते हैं, ज़्यादा परेशानी उनको होती नहीं है, लेकिन अधिकार बहुत सरल बनाए गए हैं, बहुत मजबूती के साथ ये अधिकार बनाए गए हैं, तो ऐसे में जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस क्या, इसमें भी ज़्यादा परेशान होना पड़ता है जो बाकी अमूमन चीज़ें देखी जाती हैं उसकी अपेक्षा? नहीं नहीं, इस कंज्यूमर कोर्ट का जो प्रोसीजर है बहुत ही साधारण है और बहुत ही एक आम आदमी के हिसाब से ही बनाया गया है। इसमें आप कोई भी स्थानीय आपके जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कंज्यूमर कोर्ट है और उसके बाद स्टेट लेवल पे एक होता है, फिर नेशनल लेवल पे होता है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप रहते हैं वहाँ पर जा कर के आप एक हाथ से लिख कर एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और साथ में एक 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं जो कि बहुत आसान है, कहीं भी मिल जाएगा। और हाथ से लिखे हुए प्रार्थना पत्र भी आप दे सकते हैं और कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेता है और उस पर आपको पूरी मदद की जाती है कि कंज्यूमर का जो राइट है वो आपको अच्छे से मिले और आपके साथ कोई गलत काम कोई न कर पाए। तो ये बहुत आसान है और एक आम आदमी के लिए है। ठीक है, आम इंसान के लिए है और उपभोक्ता भी आम इंसान ही होता है। हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं महाराजगंज से, पीवी मिश्रा जी। स्वागत है सर आपका, क्या परेशानी है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, रखिए अपनी बात। हमारा सर 2011 में मैं महाराजगंज में एक जमीन खरीदा था, वो जमीन जो है एक व्यक्ति के नाम से था। अच्छा, किसके नाम से था? एक महम जी है। ठीक है,
जो है हरपुर महंत के जो है महंत जी है उनके नाम से वो जमीन थी, ठीक है, उनके नाम से वो जमीन बैनामा था। हाँ। और उसमें से हमने जमीन खरीदा और हमको जमीन 4 डिसमिल दे दिए। हाँ। हम जो है उसका जब खरीदे तो उनका जो इंतखाब निकालते हैं वो निकाले, उस पर कोई विवाद नहीं था, खसरा भी साफ था, सब कुछ ठीक था, मैंने जमीन ले लिया। उसके बाद किसी एक अमुक नाम का एक आदमी ने उस पर या वो लगा दिया, आरोप लगा दिया कि यह जमीन जो है क्या बोलते हैं राम जानकी मंदिर के नाम से है, और अच्छा। इस पर जो है झूठ मूठ का विवाद खड़ा कर दिया लोगों ने, अभी तक वो केस चला रहे हैं, मैं उस पर भवन निर्माण नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आपके पास सारे कागजात पूरे हैं? हाँ सर, हमारे पास सारे कागजात पूरे हैं सर। सर इसमें अब क्या किया जा सकता है, जमीन इन्होंने खरीदी थी, डॉक्यूमेंट्स इनके पास सारे हैं, और अब एक नया विवाद उसके साथ जुड़ गया है कि वो मंदिर ट्रस्ट की जमीन है। बहुत छोटा सा जवाब है इसका। एक तो ये हमारे आज के विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास अधिकार है कि अपने स्थानीय अदालत में जाएं और एक डिक्लेरेशन का एक सूट फाइल करें और जितने डॉक्यूमेंट हैं वहां पर लगा दें, और इसमें क्योंकि विवाद हो गया है इसलिए अब कोर्ट ही इसमें फाइनल डिसीजन दे सकती है। आपको स्थानीय सिविल अदालत का रुख करना पड़ेगा। तो आपको स्थानीय सिविल अदालत का रुख करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पर जाएं, आवेदन दें और वहां पर अपनी बात रखें, निश्चित तौर पर इसका समाधान होगा। उमेश हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त नासिक से जुड़ चुके हैं। उमेश जी स्वागत है आपका, किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं हम, रखिए अपनी बात। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ उन बिल्डर से जो फ्लैट खरीद करते हैं जी, इसमें जो कार्पेट एरिया प्लस वो टेरेस वगैरह रहते हैं उसमें वो प्लस बिल्टअप एरिया लगाते हैं 30%, 35%, है क्या कानून? सर मैं चाहता हूँ आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। आपने जो बात कही है कि आपने बिल्डर से एक फ्लैट खरीदते हैं उसमें जो अपन कारपेट एरिया जो खरीदते हैं, अच्छा जी, उसपे बिल्डर 30-35% बिल्टअप चार्ज लगाते, बिल्टअप एक्स्ट्रा लगाते। अच्छा। हाँ। तो वो कानूनन लीगली है कि अनलीगली है? ये बिल्कुल, अगर आप उसके एग्रीमेंट को देखें तो ये कुछ हद तक सही है, क्योंकि जो बिल्डर होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक कारपेट एरिया जो आपके एक्सक्लूसिव यूज के लिए होता है, आपके व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉमन एरिया में आती हैं तो वो सुपर एरिया में इंक्लूड करते हैं, इसलिए वो भी आपके कॉमन फंड से ही दिया जाता है, इसलिए वो उसमें शामिल होता है। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कारपेट एरिया की में गड़बड़ी है या सुपर एरिया में गड़बड़ी है, उसके चार्जेस को लेकर गड़बड़ी है, तो आप स्थानीय जो कंज्यूमर कोर्ट है उसका रुख कर सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए उमेश जी, अपनी बात आपने यहाँ पर रखी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। सर जो लगातार बात हो रही है, जैसा कि आपने बताया कि बहुत आसान होता है एक आम आदमी के लिए, कंज्यूमर के लिए, कि वो कंज्यूमर फोरम में जाए, अपनी परेशानी वहाँ पर रखे। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितना वक्त यहाँ पर लग जाता है? अमूमन देखा जाता है कि कोर्ट में इतने मामले पेंडिंग चले आ रहे हैं, सालों से चले आ रहे हैं, और जजों की भी यहाँ पर बहुत कमी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कंज्यूमर फोरम का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है किसी एक केस को सॉल्व करने का, तो वो कितना अमूमन रहता है? नॉर्मल अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट लेवल पे देखते हैं तो लगभग 8 महीने से लेकर के साल भर तक में हो जाता है, और इसमें क्योंकि कुछ डेट्स होती हैं, सर्विस एक बहुत बड़ा इशू होती है, जब कोर्ट नोटिस भेजती है तो उनको सर्विस नहीं हो पाती है, उसकी वजह से काफ़ी देरी होती है। फिर 2-3 स्टैंडिंग स्टेजेस होती हैं जहां पे हमें अपना एविडेंस और डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ते हैं, उसके बाद बहस हो जाती है। अगर प्रैक्टिकली देखें तो बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है, लेकिन क्योंकि थोड़ा रश ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए कुछ समय लग जाता है। यानी ये चीज़ उम्मीद की जा सकती है कि अगर आप सोचें कि अचानक इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा या फिर बहुत जल्द आपको यहाँ पर इसका फैसला निकलेगा, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी वक्त लगता है, लेकिन उम्मीद से कम वक्त लगता है, ये चीज़ हम मान के चल सकते हैं? बिल्कुल मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये कानून का बहुत जो बेसिक सिद्धांत है, जो फंडामेंटल इशू है, प्रिंसिपल है, वो ये है कि जब तक दोनों पार्टीज को कोर्ट नहीं सुन लेता वो कोई भी इशू डिसाइड नहीं करता। ठीक है, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के आगरा ताज नगरी से गजेंद्र जी जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए, क्या परेशानी है आपकी? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए गजेंद्र जी। सर एक्चुअल में ऐसा है, पिछले 10 वर्षों से मेरी वाइफ की चोरी हुई थी और अब तक उसका फाइनल जेवर जिस व्यक्ति के पास है उससे पुलिस रिकवर नहीं कर पा रही है। कप्तान साहब ने आदेश भी दिया है 173-8 के तहत, फिर उसके बाद में भी पुलिस निदेशक ये लिंगर ऑन कर रहे हैं। मैं बहुत पीड़ित हूँ,
नवोदय विद्यालय में टीचिंग करता था, मेरे फादर की डेथ हो गई है, पीएम रिपोर्ट तक नहीं दी जा रही है मुझे, और मैंने कई बार प्रयास किया है लेकिन मेरा कोई भी सुनने वाला नहीं। सर इसमें क्या किया जा सकता है, काफी लंबा वक्त यहाँ पर बीत चुका है और परेशान भी बहुत जी। वैसे तो मैं आपको पूरे समझाने की कोशिश करूँगा। एक पुलिस का एक काम है, इसमें आपके पास दो रास्ते हैं। पहला तो ये है कि आप स्थानीय कोर्ट से एक आदेश ले सकते हैं इसको एक्सपीडाइट करने के लिए, और अगर मुझे जैसा लगता है कि उसमें आपको सफलता आसानी से नहीं मिलेगी, आप थोड़ा सी दिक्कत ज़रूर होगी, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के एक रिट पिटीशन फाइल कर देनी चाहिए और उसमें कोर्ट आपको इमीडिएट ऑर्डर देगा, देना चाहिए, और उससे आपका काम जल्दी हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। शुक्रिया गजेंद्र जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिला होगा। और जैसा कि यहाँ पर प्रवीण जी ने बताया कि आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके, तो इतना लंबे समय से जो आप लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं वो उसमें जल्द से जल्द यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे, जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। कंज्यूमर्स के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सर एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि 8-9 महीने या फिर लगभग 1 साल का यहाँ पर वक्त लग सकता है फैसला आने में, अगर एक फैसला यहाँ पर आ सकता है जैसे हमारे यहाँ कोर्ट्स में होता है कि अगर आप निचली अदालत से फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्या इसमें भी बड़े केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि कंज्यूमर फोरम ने अगर कोई फैसला सुनाया है तो उसको आगे चुनौती दी जा सके? ऐसा होता है, और जो बड़ी कंपनीज हैं वो उनका पूरा प्रयास इस मामले में कई बार देखा गया है कि वो जो कंज्यूमर राइट है उसको फ्रस्ट्रेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसकी अपील कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम की जो अपील है वो स्टेट कमीशन में जाती है जो राज्य में एक होता है, और उन सभी की उसके बाद एक फर्दर अपील का एक अपॉर्चुनिटी और भी होती है जो नेशनल कमीशन दिल्ली में होता है। इसमें ये बात ठीक है, यहाँ पे काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन फिर भी जो अप्रोच है कंज्यूमर फोरम्स की या कंज्यूमर कमीशंस की वो प्योरली और बहुत अच्छे से इन फेवर ऑफ कंज्यूमर्स हैं। तो थोड़ा समय ज़रूर लग जाता है, लेकिन फिर भी कंज्यूमर के जो अधिकार हैं उनका जो सबसे अच्छा प्रोटेक्शन हो सकता है वो हमें मिलता है। ठीक है सर, इस पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त झांसी से विजय लक्ष्मी जी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी जी स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए, क्या परेशानी है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? विजय लक्ष्मी जी अपनी बात रखिए। जी मैंने अभी 22 जनवरी को एक डेटा वन नाम का एक मोबाइल टेप खरीदा है। जी तो उस हाँ मैं बोल रही हूँ ना, मैंने अपना फोन खरीदा है डेटा वन नाम का जी टैबलेट फोन खरीदा है जी, तो वो उस फोन को जैसे ही हमने खोला वो ऑन नहीं हो रहा, उन्होंने कहा कि 1 साल का डेटा बंद दिया जाएगा, उसमें इंटरनेट दिया जाएगा जी। लेकिन ना तो उन्होंने इंटरनेट दिया, मैं उन्हें कॉल करती हूँ तो जवाब नहीं देते जी। और फिर उसके बाद वो टैब ऑन करा तो ऑन नहीं हो रहा, तो फिर उनसे बात करते तो 3-4 नंबर देते हैं लेकिन वो नंबर जो है वो उठाते नहीं है कोई भी, कि आपको इस नंबर पर बात करने की परमिशन नहीं है। अब वो ऑन भी नहीं हो रहा है, वापिस भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल विजय लक्ष्मी जी, हम बिल्कुल आपकी मदद कर देंगे, यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे, और बिल्कुल सही आपने कॉल किया और यही आज का हमारा मुद्दा है। सर इसमें क्या कर सकते हैं विजय लक्ष्मी जी? विजय लक्ष्मी जी ये बताइए, आपने ये फोन ऑनलाइन खरीदा है या किसी दुकान से खरीदा है? ऑनलाइन खरीदा है हमने, हम उसके सर्विस सेंटर पे भी गए तो वो भी उसे लेने से मना कर रहे हैं। ऑनलाइन में वैसे एक ऑप्शन होता है उसको रिटर्न गुड्स को रिटर्न कर देने का, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो सकता है तो आप एक पत्र लिख दें, जितने भी एड्रेसेस हैं उन पे आप एक लीगल नोटिस जैसा बना करके या किसी वकील की मदद लेकर के एक लीगल नोटिस उनको दे दीजिए, और उनसे उनको बताइए सारे बिल का रेफरेंस वगैरह देते हुए ये बताइए कि हमने एक सामान खरीदा था, फ़ोन खरीदा था जो कि आप हमारे जो हमने मांगा था आपने कमिट किया था वो उसमें नहीं है और फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा है, इसको 15 दिन में बदलिए, नहीं तो हम कंज्यूमर कोर्ट का रुख कर सकते हैं। मेरा विचार मुझे ऐसा लगता है कि लीगल नोटिस जाने के बाद आपका फोन चेंज हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर आपको कंज्यूमर कोर्ट चले जाना चाहिए। विजय लक्ष्मी जी कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग सोचते हैं कि काफी लंबी परेशानी होगी, काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, आप एक बार नोटिस देंगे तो वो आपका फोन रिप्लेस करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो उसके बावजूद आपके अधिकार आपको दिए गए हैं जिनका आप पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय लक्ष्मी जी, अपनी बात रखने के लिए। सर बात कंज्यूमर्स की हुई, उपभोक्ताओं के अधिकारों की हुई, क्या क्या अधिकार उन्हें दिए गए हैं, कैसे वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि रिजल्ट कैसे निकलता है, जो कंज्यूमर फोरम में केस चलता है, कंज्यूमर फोरम में सुनवाई होती है उपभोक्ता की, जो फैसला होता है, सजा की बात अगर की जाए तो वो कैसी रहती है और किस चीज़ पर आधारित रहती है, बेस क्या रहता है उसका?
जो कंज्यूमर फोरम है वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय देती है, सारे डॉक्यूमेंट और एविडेंस को कंसीडर करने के बाद एविडेंस अपना जजमेंट देती है और उस जजमेंट की कॉपी भेजी जाती है दोनों पार्टीज को और उसमें एक समयबद्ध सीमा में उसको उसकी कंप्लायंस करनी होती है और अगर उसकी कंप्लायंस नहीं करते हैं 30 दिन के भीतर अगर इस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं होती है तो जो कंज्यूमर है उसके पास एक अधिकार है कि उसके एग्जीक्यूशन के लिए उस ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए एक एप्लीकेशन लगा दे, वो भी बहुत एक छोटी सी एप्लीकेशन होती है और उसके बाद कंज्यूमर फोरम के पास सारे अधिकार हैं और उस अपने ऑर्डर को कंप्लायंस कराने के लिए और इसमें अगर साधारण आसानी से नहीं होता है तो कोर्ट उनको अरेस्ट करने के भी ऑर्डर करती है, उनसे रिकवरी करने के भी ऑर्डर पास किए जाते हैं, उसके कंप्लायंस करने का एक इफेक्टिव मशीनरी कोर्ट के पास है। एक चीज़ और मैं सर जानना चाहूँगा कि ठीक है ये तो सारी चीज़ सुनवाई हुई, फैसले कैसे आते हैं, लेकिन क्या ऐसा इसमें होता है कि परामर्श बीच में करा दिया गया, बातचीत बीच में करा दी गई और मामले को सुलझाने के यहाँ पर प्रयास किए गए और ज़्यादातर कितना परसेंटेज चांसेस ऐसा है कि फैसला आने से पहले आपसी सहमति के साथ मामले सुलझा लिए जाएँ? ये ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है और कोर्ट, हर एक कोर्ट, न केवल कंज्यूमर कोर्ट बल्कि जितनी भी कोर्ट्स हैं सारी कोर्ट्स इस पर बहुत प्रयास करती हैं कि कोई भी इशू है, कोई भी वाद है, वो आपस में सहमति से सुलझ जाए और इसके लिए दोनों, अगर जैसे एक साइड कंज्यूमर होता है, दूसरी साइड कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे आपस में बात कराते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई कोर्ट के इंटरफेरेंस के बगैर ही अगर वो सेटल हो जाता है तो उसको प्राथमिकता देने की कोशिश की जाती है और ऐसा हो जाता है तो ये कंज्यूमर के लिए और कंपनी के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो निश्चित तौर पर कई तरह की जो बारीकियां हैं उन बारीकियों से आज हमारे जो दर्शक हैं उनको जानकारी मिली होगी कि एक उपभोक्ता के, कंज्यूमर के क्या कुछ कानूनी अधिकार यहां पर हैं और किस तरह से अपनी परेशानियों का समाधान वो यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और इतने तमाम लोगों की यहाँ पर आपने परेशानियों का समाधान किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इंडिया लीगल में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे आपसे ही जुड़ा मुद्दा लेकर। नमस्कार।